दक्षिण कश्मीर घाटी में आतंकी हमला हुआ। हमले के दौरान आतंकियों ने आम नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों को लेकर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमले का दावा लश्करे तौयबा की शाखा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर की यह घटना है जहां पर आतंकी हमला हुआ और उसमें एक शख्स की मौत हो गई है। आतंकी हमले के बाद इलाके की हालांकि घेराबंदी कर दी गई है और आतंकी के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अनंतनाग की यह घटना बताई जा रही है दक्षिण कश्मीर में, जहां पर एक आम नागरिक को आतंकियों ने गोली मार दी और उस व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि उसके बाद फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लश्करे तौयबा ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। मेरे सहयोगी साहिल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, तो ये जानकारी मिल रही है कि आतंकी हमला हुआ है, एक शख्स की भी मौत हो गई है, सिविलियन था जिसकी मौत बताई जा रही है इस दौरान इस आतंकी हमले में, और अभी सर्च ऑपरेशन भी जारी है। क्या वहां पर सिचुएशन है ग्राउंड पर? देखिए, ये G20 बैठक के बाद पहली टारगेट किलिंग है जो कल देर शाम अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक सिविलियन को टारगेट बनाया है, ये जिसकी आइडेंटिफिकेशन दीपक के तौर पे हुई है। दीपू उधमपुर का रहने वाला है जो कि एक प्राइवेट सर्कस में अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज के ठीक बगल में काम कर रहा था, और वहां पे कल देर शाम जो है आतंकवादियों ने आकर उस पर गोलियां चलाई जिससे उसकी ऑन स्पॉट डेथ हुई। और फिर उसे मेडिकल कॉलेज अनंतनाग तो लिया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर बताया कि इसलिए इसकी ऑलरेडी डेथ हुई है। और उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेज को जब ये बात पता चली कि टारगेट किलिंग हुई है और इस तरह से एक सिविलियन को टारगेट किया गया है, उसके बाद एक सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया गया और वो काफी देर तक जारी रहा कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन उस पूरे इलाके में, जंगलात मुंडी अनंतनाग में। लेकिन फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी इस में नहीं हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तमाम तरह की एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन से वो आतंकवादी थे जिन्होंने दीपक को अपना निशाना बनाया। फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नामी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, इस टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी ली है। हमने देखा कि G20 बैठक को लेकर काफी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस बीच ये इस तरह का जो है पहला मामला है टारगेट किलिंग का। पिछले साल भी हमने देखा था कि माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ पे कश्मीर घाटी के अंदर और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था, और अब ये दोबारा से एक टारगेट किलिंग का मामला जो है वो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से सामने आया है। पुलिस का कहना है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत जल्द उन आतंकवादियों को जो है अरेस्ट किया जाएगा और उनको साफ किया जाएगा जो इस मामले में इन्वॉल्व है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए साहिल।